Hello students, today we will be covering very important topic of module 4, methods of analysis of complexes. To start with, analysis of complexes involve the estimation of two parameters. जब भी हमने complexes की analysis करनी है, हमने दो parameters को estimate करना है. First parameter होता है the stoichiometric ratio, जिसमें मेरा ligand और metal आपस में combine हो रहा है. किस ratio में मेरा लिगेंड कंबाइन कर रहा है विद माय मेटल आयन, ठीक है, और माय डोनर इज कंबाइनिंग विद द एक्सेप्टर. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ एस्टिमेशन इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स. लेट्स अज्यूम वन इक्वेशन, फॉर एग्जांपल, इट्स वेरी हाइपोथेटिकल इक्वेशन. एम विच इज माय मेटल इज कंबाइनिंग विद एन मोल्स ऑफ लाइगेंड ए टू गिव अ कॉम्प्लेक्स एम ए to the base N. Here M is my metal ion, A is my ligand, N number of moles of ligand is combining with one mole of my metal ion, and this is my complex. So if I want to write a stability constant for this particular reaction, that will be equal to M A to the base N concentration divided by concentration of metal ion multiplied by concentration of ligand to the power the number of moles in which the ligand is combined. So if I want to what's the stability coefficient of the complex, then what I can do, I can keep the metal ion concentration constant. Main metal ion ki concentration ko constant rakh sakti hu throughout the process. I can vary the known amount of my ligand. लाइगेंड की नोन अमाउंट को वेरी कर सकती हूँ. इन कंपैरिजन टू दैट, जैसे ही मैं लाइगेंड की कंसंट्रेशन वेरी करूँगी, आई विल एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स विच इज गेटिंग फॉर्म. आई कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन एंड व्हाट आई विल गेट, एम ए टू द बेस एन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड विद कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन मल्टीप्लाइड विद कंसंट्रेशन ऑफ ए. So if I take log on both sides, what I will get, log m a to the base n is equal to log k plus log m plus n log a. So if I plot a graph between the concentration of complex वर्सेज द लाइगेंड कंसंट्रेशन, लाइगेंड की कंसंट्रेशन मैं चेंज कर रही हूँ, कंप्लेक्स की कंसंट्रेशन वाई सम एनालिटिकल मेथड मैं मेजर कर रही हूँ, उससे मुझे एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा. माइंडेड, दिस इज लॉग, बोथ साइड आई एम हैविंग लॉग. आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन कर्व फ्रॉम द इंटरसेप्ट. आई विल गेट द वैल्यू ऑफ के, मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी, एंड फ्रॉम द स्लोप आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एन, दैट इज द रेशियो इन विच माय लाइगेंड इज कंबाइनिंग विद अ मेटल आयन. ठीक है, क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं लाइगेंड के जो वन मोल ऑफ मेटल आयन के साथ कंबाइन कर सकते हैं. सो मूविंग अहेड विद वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस, आई हैव फोर मेथड्स ऑफ एनालिसिस. फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस वेरिएशन मेथड्स ऑफ द जॉब्स मेथड, सेकेंड इज योर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, थर्ड सॉलिबिलिटी मेथड, एंड फोर्थ इज पीएच टाइट्रेशन मेथड. टुडे वी विल बी कवरिंग दीज टू मेथड्स, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. सो मूविंग टू द फर्स्ट मेथड विच इज योर कॉन्टिन्यूस वेरिएशन मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जॉब्स मेथड. कॉन्टिन्यूस वेरिएशन मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्टोइचियोमेट्रिक एक्सटेंशन कोफिशिएंट है, इनको हम यूज कर सकते हैं टू मेजर द कॉम्प्लेक्सेशन. इट स्टेट्स दैट व्हेन देयर इज नो कॉम्प्लेक्सेशन बिटवीन टू स्पीशीज ए एंड बी, लेट्स अज्यूम आई हैव टू स्पीशीज ए एंड बी, और इसके बीच में कॉम्प्लेक्स बनना है या नहीं बनना. If I have two species A and B and there is no complex between them, तो इन दोनों की कोई भी physical property जैसे कि dielectric constant or refractive index और उसका stoichiometric extension coefficient, that will be additive. That means the dielectric constant of A will just add to the dielectric constant of B जब मैं इन दोनों को mix करूँ. On the other hand, if there is some complexation, कोई complex बन रहा है, तो ये additive property will not hold true. ये true नहीं होगी. That means, if I am combining
ए विद बी तो और मिक्सचर में कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, देन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए प्लस द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ बी विल नॉट बी द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दैट मिक्सचर. ठीक है, लेट्स लुक एट दिस कर्व. आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल ऑफ मिक्सिंग एन ए एंड बी. ऑन द वाई एक्सिस आई एम हैविंग अ फिजिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ऑन द एक्सिस आई एम वेरिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस टू दैट. ठीक है, अगर यहाँ से वहाँ बी की अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो इट्स obvious that the amount of A is reducing. So, if there is no complexation between A and B, A and B ko main mix karti hoon aur un dono mein koi complex nahi banta, then it will, jo unke dielectric constant of the mixture, that will follow this particular curve, jo ye dotted line hai. वो इस कर्व को फॉलो करेगा. दैट मीन्स एट एनी कंसेंट्रेशन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए एंड बी विल बी एडिटिव. इफ सम कॉम्प्लेक्स इज गेटिंग फॉर्म्ड देन इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर कर्व दिस कर्व इज फॉलोड. नंबर वन. नंबर टू, एट दिस कर्व यू विल फाइंड वन इन्फ्लेक्शन पॉइंट. एक आपको पॉइंट मिलेगा जहां पे स्लोप मार्केटली चेंज हो रही है. दिस पॉइंट इंडिकेट that a complex is formed and by simply back projecting it to the x-axis, aap agar x-axis pe isko back project karoge, you can find out in which ratio your A and B is complexing with one another. For example, if this ratio comes out to be 0.5, that means that your A and B is combining in a 1:1 ratio. ठीक है बच्चे, सो बाय सिंपली लुकिंग एट द कर्व यू कैन फाइंड आउट कि मेरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा. नंबर वन. नंबर टू, किस रेशियो में वो बन रहा है. द नेक्स्ट इज दैट यू वांट टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी कांस्टेंट. स्टेबिलिटी कांस्टेंट सेम उसी फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करोगे. के इज इक्वल टू एम ए टू द बेस एन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ योर मेटल मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ योर लाइक इट. प्लीज नोट दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपकी जो प्रिडिक्टेड लाइन है, जो डॉटेड लाइन थी, इफ नो कम्प्लेक्स इज गेटिंग फॉर्म, उससे ऊपर आपको एक लाइन मिल रही है, अबव दैट कर्व यू आर गेटिंग सम इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन दिस एग्जाम्पल. इट इज नॉट नेसेसरी इन ऑल द केसेस. किसी केस में दिस कर्व कैन बी लाइक दिस टू, डिपेंडिंग अपॉन आपके कम्प्लेक्स की क्या प्रॉपर्टी है और किस तरह से आपका मेटल और आपका लिगेंड ज्वाइन कर रहा है. सो दिस मेथड हैज ओनली वन लिमिटेशन. दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स दैट फॉर्म टू और मोर कम्प्लेक्सेस. वो कंपाउंड्स जहां वन और टू और मोर कम्प्लेक्सेस बनते हैं वहां ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा. इट्स अ सिंपलेस्ट मेथड. द सेकेंड मेथड इज योर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट हम सबको पता है. जो डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर एक सल्यूट का होता है बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय योर डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन कॉफिशिएंट. व्हेन अ सल्यूट कम्प्लेक्सेस विद द एडेड सब्सटेंस, जब सल्यूट कम्प्लेक्स कर लेता है विद सम एडेड सब्सटेंस एंड दैट सल्यूट एंड एडेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन सम इमिसिबल लिक्विड वाले सिस्टम में ही, द सल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कम्प्लेक्स. जो उसका पार्टीशन कॉफिशिएंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट होगा, वो चेंज करेगा डिपेंडिंग अपॉन क्या नेचर है हमारे कम्प्लेक्स की. You will better understand this method if we take one example. Here, let's take the example of complexation of iodine with potassium iodide. So here, in the reaction, your iodine, which is I2, reacts with Ki, which is your potassium iodide, to give Ki3. To understand the distribution method better, let's plan two set of experiment. The first set of experiment is when we will find out the distribution coefficient of iodine between carbon disulfide, which is an organic layer, and water, which is your aqueous layer. So at 25 degrees Celsius, the distribution coefficient between your water layer and your organic layer is given by
K O upon W is equal to C naught upon C W, where C naught is the concentration of your iodine in your organic layer divided by concentration of iodine in your aqueous layer. If we keep these two solvents constant, carbon disulfide mera pure hai, water mera pure hai, then my partition coefficient of iodine between these two is known, and it is 625. So how I will estimate the concentration of iodine in organic and water phase? We will allow the iodine to distribute between the two phases. Usko equilibrium attain karne denge. Then we have taken the organic phase and the water phase separately, and we have titrated it against your sodium thiosulfate, standard solution of sodium thiosulfate and starch as an indicator. So in the second set of experiment, we will estimate the distribution of iodine between carbon disulfide, which is my organic layer, and potassium iodide aqueous solution. Here I have replaced my aqueous solution with KI solution. Potassium iodide is soluble in water only. It has no solubility or zero solubility in carbon disulfide solution. So, जितना मैं potassium iodide इस system में डाल रही हूँ, वो सारे का सारा मेरी aqueous layer में solubilize होगा, organic layer में नहीं जाएगा. So, I am preparing 0.125 molar potassium iodide solution. That means, using the same titration method, sodium thiosulfate को use करके and starch को use करके, I will estimate the concentration of iodine in the organic phase and in the aqueous phase. Let's assume that the concentration of iodine in the organic phase is 0.1896 mole per liter, and the concentration of iodine in the aqueous phase is 0.02832 mole per liter. So here what we understand from this figure, that iodine in the organic phase is free iodine. As no potassium iodide is present in the organic phase, that means jitni iodine meri organic phase mein hogi, wo meri free iodine hogi. Theek hai? So this is my free iodine. In the aqueous phase, जो मेरी iodine है, जो ये amount है, it is both free plus complexed. Free मेरी iodine, जो partition होके मेरी aqueous phase में आई थी, और complexed iodine, जिसने potassium iodide जो मेरी aqueous phase में है, उसके साथ complex बनाया. So, from this, what I will get? I will get the total concentration. क्या टोटल कंसंट्रेशन है आयोडीन की इन एक्वस लेयर. माइंड इट, इन दिस टोटल कंसंट्रेशन आई एम एडिंग बोथ फ्री प्लस कॉम्प्लेक्स आयोडीन. इट इज इक्वल टू 0.02832 मोल पर लीटर. टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, कितनी अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड मैंने एक्वस लेयर में डाला है, विच इज बोथ फ्री एंड कम्प्लेक्स. इसमें मेरा फ्री भी है और कम्प्लेक्स भी है. दैट इज इक्वल टू टोटल कितना है 0.1250 मोल पर लीटर. ठीक है बच्चे. नाउ please note that according to distribution law, only the free iodine जो मेरी aqueous और water phase में present है, that will distribute according to this value. Partition coefficient के accordingly, 625 रेशो में जो मेरी आयोडीन डिस्ट्रीब्यूट होनी है बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड द वाटर फेज, वो सिर्फ फ्री आयोडीन होगी. ठीक है. सो
अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड वाटर फेज इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ योर आयोडीन इन द ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन द वाटर फेज. और ये कौन सी कंसंट्रेशन है, फ्री कंसंट्रेशन. सो I know the concentration of iodine in the organic phase जो मेरी free है. I know the distribution coefficient जिसमें वो distribute होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक aqueous phase है और एक मेरा carbon disulfide phase है. I can estimate the concentration of iodine जो free है in my aqueous phase. So the concentration of iodine in the aqueous phase which is free is equal to कंसेंट्रेशन इन द ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय क्या मेरा पार्टीशन कोफिशिएंट है. कंसेंट्रेशन इन द ऑर्गेनिक फेज जो हमने कैलकुलेट की है विच इज 0.1896 एंड द पार्टीशन कोफिशिएंट इज 625. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.000303 मोल पर लीटर which is the concentration of iodine which is free in your aqueous phase. So if I calculate or if I want to write in aqueous phase mein jo ki meri potassium iodide ki phase hai, I have total iodine which is this is equal to kitni iodine meri free hai plus कितनी आयोडीन ने मेरे कॉम्प्लेक्स बना लिया. फ्रॉम द लास्ट स्लाइड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ कितनी टोटल कंसेंट्रेशन है आयोडीन की इन द एक्वस लेयर. सो दिस इज इक्वल टू 0.02832 इज इक्वल टू, ये हमने कैलकुलेट किया है अभी कितनी आयोडीन की फ्री कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्वस लेयर विच इज 0.000303 प्लस दिस आई हैव टू फाइंड कितनी आयोडीन कम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. सो फ्रॉम दिस आई कैन गेट द आयोडीन विच इज फॉर्मिंग द कम्प्लेक्स इज इक्वल टू simply by subtracting this from this I will get 0.02802 mole per liter. ठीक है, now according to this equation अगर आप equation को देखें, this equation 1 mole of my iodine is combining with 1 mole of my potassium iodide. तो जितनी आयोडीन मेरी कम्प्लेक्स में होगी उतना ही मेरा पोटेशियम आयोडाइड कम्प्लेक्स में होगा. सो दिस कम्प्लेक्स्ड आयोडीन इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ कम्प्लेक्स पोटेशियम आयोडाइड. सो व्हाट आई कैन कैलकुलेट फर्दर, टोटल पोटेशियम आयोडाइड इज इक्वल टू द पोटेशियम आयोडाइड विच हैज फॉर्म द कम्प्लेक्स प्लस द पोटेशियम आयोडाइड विच हैज बीन फ्री. सो फ्रॉम दिस आई नो दिस टोटल अमाउंट, दिस इज इक्वल टू 0.1250 जो इनिशियली मेरा एक्वस सॉल्यूशन मैंने पोटेशियम आयोडाइड का बनाया है. दिस इज इक्वल टू 0.02802 एंड व्हाट आई कैन कैलकुलेट, आई कैन कैलकुलेट द फ्री पोटेशियम आयोडाइड. सो my free potassium iodide ki free is equal to simply by subtracting this from this I will get 0.09698 k is equal to, for that equation the concentration of your complex divided by concentration of free iodine multiplied by concentration of free potassium iodide. So the concentration of complex जो मुझे यहां से मिला है, the concentration of complex which is this term, the concentration of free iodine जो मुझे यहां से मिला है, this is the concentration of free iodine. The concentration of free potassium iodide जो मुझे यहाँ से मिला,
using these three values 0.02802 divided by 0.000303 multiplied by 0.09698, I can get the value of stability coefficient. Thank you.